बाईसेक गांधीनगर अने श्रम रोजगार विभाग गांधीनगर द्वारा आयोजित वर्चुअल क्लासरूम में हूँ आप सबनु हार्दिक स्वागत करूँ। हूँ बीके पटेल, सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर मिकेनिक डीजल, औद्योगिक तालीम संस्था बालाजीनो। आज आपने ऑटोमोबाइल ग्रुप में आज टॉपिक है न्यूमेटिक गवर्नर। गवर्नर जुदी जुदी प्रकार गवर्नर आपने जोया, एम न्यूमेटिक गवर्नर ए फ्यूल इंजेक्शन सीस्टम में आत एक विशिष्ट प्रकार गवर्नर। न्यूमेटिक गवर्नर नाम प्रमाण वैक्यूम थी ऑपरेट थत हो, वैक्यूम ऑपरेटेड होने न्यूमेटिक गवर्नर कहवा है। न्यूमेटिक गवर्नर वर्किंग प्रिंसिपल, न्यूमेटिक गवर्नर वर्क्स ऑन द वैक्यूम प्रिंसिपल। वैक्यूम ना सिद्धांत पर न्यूमेटिक गवर्नर काम करे। व्हेन इंजन इज इन वर्किंग प्रिंसिपल द पोजिशन ऑफ कंट्रोल रोड इज कंट्रोल बाय प्रेशर डिफरेंस बोथ साइड एंड डायाफ्राम। न्यूमेटिक गवर्नर हेज मेनली टू पार्ट्स, एना मुख्य कंस्ट्रक्शन में बे भागों से वेन्चुरी एरफ्लो कंट्रोल यूनिट और डायाफ्राम यूनिट। पार्ट्स ऑफ द गवर्नर कंट्रोल रोड, वैक्यूम चेम्बर, डायाफ्राम, गवर्निंग स्प्रिंग, वैक्यूम पाइप, एयर फिल्टर, बटरफ्लाई वाल्व, कंट्रोल लीवर, एक्सेलेटर पेडल, स्टॉप लीवर ने इनलेट मैनिफोल्ड। आकृति में न्यूमेटिक गवर्नर बतावेलू है कि एक्सेलेटर पेडल साथ लिंकेजिस द्वारा वेन्चुरी कंट्रोल जोड़ेली है। वेन्चुरी से इनलेट मैनिफोल्ड अंदर मुकवामां आवेली है कि जे सीधी वातावरण हवाना दबाण साथ कॉन्टेक्ट में आए। वेन्चुरी एक वाल्व द्वारा, बटरफ्लाई वाल्व द्वारा डायाफ्राम यूनिट साथ जोड़ेली है। डायाफ्राम यूनिट जे है ये रिटर्न स्प्रिंग और डायाफ्राम और रेक द्वारा फ्यूल इंजेक्शन पंप ने कंट्रोल रेक साथ जोड़ेलो हो। जयरे एक्सेलेटर आपवामां आवे छे त्यारे जे वेन्चुरी अंदर आवेलो बटरफ्लाई वाल्व ये ऑपरेट थाय छे अने वेन्चुरी बटरफ्लाई वाल्व ऑपरेट थवाथी एर फ्लो जे छे एर फ्लो इनलेट मेनिफोल्ड नो जे एर फ्लो दाखल थयो होय ए सीधो डायाफ्राम यूनिट में दाखल थाय छे। एंजीन स्पीड होवाने एंजीन जारे चालू करवामां आवे छे त्यारे सक्शन स्ट्रोक ने कारण चार अथवा छ सिलिंडर ने एंजीन में सक्शन वाल्वने कारण घणु बधु सक्शन क्रिएट थतुं होय अने वातावरणनी हवा खेंचाई अने एंजीन में जती होय। सक्शन द्वारा जे वाल्व हवा खेंचाईने जती होय वाल्व द्वारा डायाफ्राम यूनिट में दाखल थाय छे। डायाफ्राम यूनिट में दाखल थाय एटले प्रेशर थी डायाफ्राम उपर वेक्यूम क्रिएट करे अने वेक्यूम क्रिएट थाय एटले डायाफ्राम रिटर्न स्प्रिंग ने विरुद्ध दिशा में खेंचाय, विरुद्ध दिशा में खेंचाय छे एटले कंट्रोल रेक एनी साथे जोड़ायेली होवाथी कंट्रोल रेक पण खेंचाय छे जेना द्वारा फ्यूल नी क्वॉंटिटी एंजीन में जे सप्लाय थाय छे ए क्वॉंटिटी नक्की थाय छे अने आइडल स्पीड में थी स्लो स्पीड अने हाई स्पीड में एंजीन, हाई स्पीड एंजीन मेळवे छे। तो आखू जे कंस्ट्रक्शन ने वर्क छे डायाफ्राम ए प्रमाण है। जयरे एक्सेलेटर पेडल छोड़ देवामां आवे छे त्यारे जे डायाफ्रामनी रिटर्न स्प्रिंग छे डायाफ्राम ने पाछो धकेल छे अने वेक्यूम छे वेक्यूम पाछू रिटर्न वेन्चुरी में आवशे एटले डायाफ्राम पाछो धकेला छे अने कंट्रोल रेक पाछी धकेलावाथी एंजीननी स्पीड पाछी डाउन जशे। तो ए प्रमाणे न्यूमेटिक गवर्नर छे ए प्रमाणेनी कार्यवाही आ प्रमाण कार्य सिद्धांत पर काम करे छे अने ए प्रमाण फ्यूअल कंट्रोल जे छे एंजीनो ए गवर्न करे छे न्यूमेटिकली, कारण के डायाफ्राम न्यूमेटिकली वेक्यूमना सिद्धांत पर काम करे छे एटले एने न्यूमेटिक गवर्नर कहेवामां आवे छे। प्रिकॉशन्स इन गवर्नर टू हेव बेटर फंक्शन पुट 2 to 4 ड्रॉप्स ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑइल आफ्टर एवरी 1000 माइल। आफ्टर 1000 माइल अथवा 1000 किलोमीटर गाड़ी फर्या बाद एमां लुब्रिकेटिंग ऑइल 2 to 4 ड्रॉप्स नो उपयोग करवामां आवे, कारण के एना द्वारा जे मॉइश्चर होय ए मॉइश्चर कंट्रोल थई शके छे। एर फिल्टर चौक थई गयुं होय तो एने साफ करो, कारण के एर फिल्टर जे छे इनलेट मेनिफोल्ड साथे जोड़ायेलू होय अने इनलेट मेनिफोल्ड अने एर फिल्टर ए न्यूमेटिक गवर्नरना एक प्रकारना भाग छे, एटले जो चौकअप थई गयो छे तो न्यूमेटिक गवर्नर काम करी शकशे नहीं।
accelerator pedal and stop pull button should easily get operated. Accelerator pedal and stop button बने easily operate थाय प्रमाण है ना रखवा जरूरी. आकृति में governor बतायेलो है कि जो governor arm ने throttle shaft के accelerator साथ जुड़ाई ली प्रमाण है connector बतायेलो है અને પંપ બતાવેલો છે જ્યાં એડવાન્સ ટાઈપનો ન્યુમેટિક ગવર્નર અત્યારે આવેલા છે. એ પ્રકારની આ વર્કિંગ પોઝિશન છે. જ્યારે એક્સેલેટર પેડલ આપવામાં આવશે ત્યારે આ પ્રમાણે વેટ રોટેટ થઈ અને કંટ્રોલ રેક ઓપરેટ થશે. રિલીઝ કરતી વખત એના રિલીઝ થશે અને કંટ્રોલ રેકનું જે ફ્યુઅલ કંટ્રોલ છે આના દ્વારા કંટ્રોલ થશે. જુદા જુદા પ્રકારની પોઝિશન બતાવેલી. જ્યારે એક્સેલેટર પેડલની જુદા જુદા પ્રકારની પોઝિશન આઇડલ સ્પીડ સ્લો સ્પીડ અને એક્સેલરેટ વેન વી એક્સેલરેટ જ્યારે આપણે એક્સેલરેટ કરીએ છીએ ત્યારે શું પોઝિશન આવશે બતાવે. થ્રોટલ શાફ્ટ એટલે કે ડાયાફ્રામ યુનિટ બતાવેલું છે અને કનેક્ટેડ ટુ કંટ્રોલ રેક ફ્યુઅલ ઇન્જેક્શન પંપની પંપ એન્ડ મીટરિંગ વાલ્વ. તો આ પ્રમાણે ન્યુમેટિક ગવર્નર ફ્યુઅલ ઇન્જેક્શન સિસ્ટમની અંદર કામ કરે છે. એના મેન્ટેનન્સ માટે બટરફ્લાય વાલ્વ, જે બટરફ્લાય વાલ્વ અને ડાયાફ્રામ કે જે ચામડાના બનેલા હોય છે, તો એની અંદર ઘણી વખત લીકેજીસ આવી જવાથી તે કામ કરતાં બંધ થઈ જાય છે અને એને રિપ્લેસ કરો. આપણે રિટર્ન સ્પ્રિંગ, તો રિટર્ન સ્પ્રિંગનું મેન્ટેનન્સ પણ એના ઓવર એની સ્પ્રિંગ કેપેસિટી વધારે જો થઈ શકે તો એને પણ બદલવી પડે છે અને એ પ્રમાણે એનું મેન્ટેનન્સ પણ જરૂરી છે. આભાર.